नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी, NIT9 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के अख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। कुल हिंद मलेशिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली नामपली जनाब जाफर हुसैन मेराज, साबिका मेयर मौजूदा कारपोरेटर मेहदीपट्टनम जनाब माजिद हुसैन और कई सरगरम कारकुन मजलिस के हमरा दरगाह यूसुफैन पहुँच कर वहाँ पर चादर पेश की। बाद इसकी आवाम से मुलाकात करते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए हिफाजती इंतजाम की हिदायत देते हुए आवाम में साबुन और दीगर हिफाजती चीज़ों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तमाम लोगों को हिदायत दी गई है कि ऐसे मरहले में सफाईत का खास ख्याल रखे। आइए नाजरीन इस खबर पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहीम की ये तफसीली रिपोर्ट। नाजरीन, हम भी हमारे चैनल के ज़रिए से आप तमाम को ये हिदायत देते हैं कि इस्लाम में पहले से ही हमें इस चीज़ की हिदायत दी गई है कि पाकी आदा ईमान है, इसीलिए सफाईत का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए और किसी भी अफवाहों के ऊपर तवज्जो ना दे। आइए डालते हैं इस खबर पर नज़र।